हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों एक बार फिर से मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों अलग अलग पोस्ट यहां पर शामिल की गई हैं। स्टाफ नर्सेज के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट आ चुका है, करीब करीब जो है 150 से ज़्यादा पोस्ट यहां पर रहने वाली है स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के लिए। फिर देखिए यहाँ पे देखिए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं, डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहेगा और अंत में देखिए टेक्नीशियंस की वैकेंसीज भी यहाँ पे आ चुकी हैं और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, ये जो वैकेंसीज यहाँ पर जो रिलीज़ की गई हैं, कार्यालय अधिसृष्टा अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये NHM भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। COVID-19 ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहेगा और देखिए पूरा विज्ञापन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और हाल ही में ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियली वेबसाइट पर 31 जुलाई 2020 को पब्लिश कर दी गई है। किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के तौर पे योग्यता आपसे यहाँ पे क्या क्या मांगा जाने वाला है अप्लाई करने के लिए और यहाँ पे पर मंथ बेसिस पे आपको सैलरी पैकेज यहाँ पे कितना दिया जाएगा। और देखिए अंत में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ओर यहाँ पे ले चलूँगा, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, सारे कॉलम मैं आपको बताऊँगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे फिल करनी है और अंत में जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। और देखिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में ये सरकारी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है हमारा YouTube चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर रहा है। कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को नीचे आइए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ ये जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज की गई हैं COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति के लिए यहां पर रहने वाली है और देखिए 3 मंथ की अवधि के लिए आपको यहां पर संविदा बेसिस पर नियुक्ति मिलेगी। आपके जो भी यहां पर ज्वाइनिंग है 3 मंथ के लिए यहां पर रहने वाली है और टेम्परेरी बेसिस पर संविदा आपको यहां पर नियुक्ति मिलने वाली है। और देखिए इसके लिए आपको यहां पर वॉक इन इंटरव्यू देना होगा, डेट आपको यहां पर दी जा रही है 10 अगस्त 2020, 11 अगस्त 2020 और देखिए 13 अगस्त 2020, ये 3 डेट आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। इन्हीं डेट पर जाके आप लोग जो है अपना यहाँ पे इंटरव्यू देंगे, जो भी पोस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ दी गई है। अब यहाँ पे पोस्ट की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो पहली पोस्ट यहाँ पर जो शामिल की गई है स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी के लिए रहेगी और यहाँ पर देखिए डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। विशेषज्ञ की ये पोस्ट है, MD होना जरूरी है या फिर देखिए MD एनेस्थीसिया से हो और देखिए डिप्लोमा है या फिर देखिए आपके पास यहाँ पे PG डिग्री है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए एनेस्थीसिया में अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और देखिए ICU का अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो देखिए आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। पर मंथ बेसिस पे देखिए जो डिग्री कैंडिडेट्स हैं 1,25,000 रुपये सैलरी पैकेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को 1,10,000 रुपये पर मंथ बेसिस पर सैलरी पैकेज मिलने वाला है। 28 पोस्ट यहाँ पर शामिल कर ली गई है, स्नातकोत्तर जो चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। चिकित्सा अधिकारी की अगली पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS, इसमें आपसे मांगा जा रहा है MBBS डिग्री और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये MBBS डिग्री होना जरूरी है। और देखिए मेडिकल काउंसिल का जो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रहता है मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का, तो अगर आपके पास ये है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 60,000 रुपये प्रतिमा आपको यहाँ पर दिया जाएगा पर मंथ बेसिस पर सैलरी पैकेज और देखिए 43 पोस्ट यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है देखिए स्टाफ नर्सेस के लिए है और अच्छा खासा रिक्रूटमेंट है, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण होना आपका यहाँ पे जरूरी है और देखिए मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का आपके पास जो है जीवित पंजीयन भी होना आपका यहाँ पे जरूरी है। कहने वाली बात है, नर्सिंग का जो आपका यहाँ पे कोर्स रहता है तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और देखिए नर्सिंग काउंसिल का मध्य प्रदेश जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहता है तो अगर आपके पास ये है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये आपको पर मंथ बेसिस पे सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा और देखिए अच्छी खासी वैकेंसीज हैं स्टाफ नर्स की, वैकेंसीज के लिए करीब करीब जो है 160 वैकेंसीज यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई हैं और बिल्कुल आप सब लोग यहाँ पे आवेदन करें, इसमें कोई भी आपसे अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है अगली जो अंतिम जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है वो रहेगी यहाँ पे ICU टेक्नीशियन के लिए और देखिए मान्यता प्राप्त संस्था से OT टेक्नीशियन या फिर देखिए ICU टेक्नीशियन की डिग्री या फिर देखिए डिप्लोमा अगर आप लोगों के पास है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश शल्य चिकित्सा परिषद का अगर आपके पास जीवित पंजीयन है रजिस्ट्रेशन है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 15,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे
आपको सैलरी पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा, 28 पोस्ट यहाँ पर शामिल कर ली गई है। तो पूरा मैंने रिक्त पदों का विवरण आपको यहाँ पर दिया है। और दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सभी वैकेंसीज को जब आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए टोटल जो है 259 वैकेंसीज पर यह पूरा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर आवेदन जरूर करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है। अब बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखिए अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, बोला जा रहा है इच्छुक उम्मीदवार स्वयं आप लोगों को खुद ही जाके जो है सबमिट करना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म। और देखिए लास्ट डेट आपको दी जा रही है 7 अगस्त 2020 शाम के 5 बजे तक कार्यालय के समय में अपने समस्त मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एक सेट। कहने वाली बात है, जो यहाँ पे देखिए कार्यालय का समय रहता है आप लोगों को फोटोकॉपी का सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। और यहाँ पे स्वयं सत्यापित होना जरूरी है, आपके द्वारा स्वप्रमाणित हो। कहने वाली बात है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आप लोगों के सिग्नेचर होना जरूरी है। फोटोकॉपी का जो सेट आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और देखिए कहाँ पे आपको सबमिट करना है, अधिसृष्टा कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, इस एड्रेस पे जाके आप लोगों को खुद जाके सबमिट यहाँ पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और दोनों जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहेंगे, तो ये जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूँ। बोला जा रहा है निर्धारित दिनांक के बाद जो है आवेदन यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट आप लोग यहाँ पे याद रखें 7 अगस्त 2020 यहाँ पे लास्ट डेट, यहाँ पे शाम के 5 बजे तक का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और पूरा आवेदन का प्रारूप इसी PDF के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहला जो कॉलम आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड कराना है वो रहेगा आपका विज्ञापन क्रमांक। तो देखिए विज्ञापन क्रमांक आप लोग कहाँ से दर्ज करेंगे, सबसे ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ पे विज्ञापन क्रमांक दिया जा रहा है। ये पूरा विज्ञापन क्रमांक आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल अपने वहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला कॉलम रहेगा वो रहेगा दिनांक, जिस किसी भी तारीख पे आप लोग अपना यहाँ पे आवेदन यहाँ पे फिल करेंगे वो दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर देखिए अगला जो यहाँ पे कॉलम है वो रहेगा आवेदक का नाम, मीन्स आप लोगों को आवेदक पद का नाम मीन्स पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। और देखिए स्टाफ नर्स की पोस्ट है तो स्टाफ नर्स फिल करेंगे, मेडिकल ऑफिसर है तो मेडिकल ऑफिसर फिल करेंगे, और टेक्नीशियन वाली पोस्ट है तो टेक्नीशियन यहाँ पे फिल करेंगे। और हिंदी भाषा में आप सभी लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, क्योंकि ये जो फॉर्म है आप लोगों को हिंदी भाषा में दिया जा रहा है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करें हिंदी भाषा में आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, आप लोगों को जो भी आपका नाम 10वीं के मार्कशीट में लिखा गया है वही नाम आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करना होगा, आपके पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये बेसिक डिटेल है आप लोग यहाँ पे फिल करें। जो भी आपकी योग्यता है BSc नर्सिंग है और यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे MD डिग्री है, जो भी आपका डिप्लोमा है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे देखिए फोटो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है, जो भी आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। अब देखिए नीचे जो है आप लोगों को योग्यता आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, हाई स्कूल मीन्स 10th क्लास की जो भी आपकी डिटेल है, किस स्कूल से आप लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किए तो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, और कौन सा यहाँ पे बोर्ड है तो कौन सा विश्वविद्यालय है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, किस वर्ष में आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास की है, कितने अंक आप लोगों ने प्राप्त किए, कितने प्रतिशत थे, और देखिए कितनी डिवीज़न थी, फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट लिखेंगे और सेकेंड डिवीज़न है सेकेंड, तो जो भी आपका है तो आप लोग यहाँ पे दर्ज करें। इसके बाद देखिए हायर सेकेंडरी की 12th क्लास की कौन से स्कूल से आप लोग यहाँ पे कोई 12th क्लास थी और यहाँ पे कौन सा विश्वविद्यालय है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो है उत्तीर्ण वर्ष 12th क्लास कौन से वर्ष में आप लोगों ने उत्तीर्ण किए हैं और कितने अंक आप लोगों ने प्राप्त किए, कितने प्रतिशत थे और कौन सा रिमार्क कौन सी आपकी यहाँ पे डिवीज़न रही है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। फिर देखिए जो भी डिप्लोमा है तो उसी हिसाब से आप लोग इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, जो भी आपकी डिग्री है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद देखिए अगला जो कॉलम है वो रहेगा मध्य प्रदेश MCI रजिस्ट्रेशन या फिर नर्सिंग परिषद या फिर पैरामेडिकल परिषद। तो देखिए जो यहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे वो इस तरीके से यहाँ पे मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, तो देखिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और देखिए नर्सिंग परिषद का है काउंसिल तो नर्सिंग परिषद के इस तरीके से आप लोग अपने इन्फॉर्मेशन आप लोग पुट करेंगे और इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। उसके बाद देखिए पैरामेडिकल काउंसिल का अगर आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे टिक का निशान लगाना है और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। अनुभव देखिए आपको यहाँ पे देना है और अनुभव जो है ये आपको डिटेल
डिटेल आपको फिल करनी होगी, संस्था का नाम, जिस संस्था से आपका यह अनुभव रहता है, पद का नाम, कौन से पोस्ट पर थे और कब से कब तक का ये अनुभव आपका रहा है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर जानकारी देंगे। और देखिए, एक से ज़्यादा अनुभव अगर आपके पास है तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, जो कि वेतन प्रमाण संग्रहण आपको यहाँ पर करना होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। और देखिए, आपको जो अगला कॉलम है वो रहेगा आपकी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, सामान्य वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, या फिर देखिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को यहाँ पर दर्ज करनी है। संपर्क के लिए पता, मीन्स आपका जो भी आपका एड्रेस है, आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर, जो भी चालू हालत में आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी जो भी आपके यहाँ पर है चालू हालत में, ये भी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी है। आधार कार्ड है, देखिए आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, आधार नंबर जो आपका यहाँ पे रहता है। देखिए, कोई भी आपका अगर आपने यहाँ पे अपराध किया है, कोई आपको दंड मिला है, या फिर देखिए कोई ना कोई अनुशासन कार्रवाई हुई है, तो आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, अन्यथा इस कॉलम को यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर इस तरीके से डैश आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपकी यहाँ पे नहीं रहती है। अंत में देखिए, आप लोगों को डिक्लेरेशन साइन करना है, ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोग यहाँ पे रीड कर लें, और जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। जल्द से जल्द आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दें। अब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए, आप लोगों को बोला जा रहा है, अभ्यर्थी अपनी डिग्री से जुड़ी शीर्ष संस्था के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता अंक सूची, और देखिए जाति प्रमाण पत्र, और देखिए आपके जितनी भी सर्टिफिकेट्स रहते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। कहने वाली बात है, 10वीं की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हो गई, और देखिए सारी मार्कशीट जो है आप लोगों की, चाहे डिग्री हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका डिप्लोमा हो, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, और देखिए साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा, और इसकी आपको फोटोकॉपी का सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। साथ ही साथ देखिए, जो भी आपका यहाँ पे देखिए एड्रेस का तो प्रूफ रहता है, जो भी आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र है तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देनी होगी, और देखिए इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पे आपका दस्तावेज रहता है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है फोटोकॉपी के सेट में। और देखिए, स्वयं सत्यापित होना यहाँ पे जरूरी है, जो भी आपका फोटोकॉपी का सेट रहेगा, नीचे की तरफ आपके सिग्नेचर हर फोटोकॉपी के सेट पे वहाँ पे होना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। और देखिए, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को देखिए 21 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के बीच आपका यहाँ पे उम्र होनी चाहिए, और यहाँ पे देखिए COVID-19 की महामारी के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए नियुक्ति अस्थायी 3 मंथ के लिए यहाँ पे रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। अब दोस्तों, इसमें देखिए एक और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है, ये जो सरकारी भर्ती का जो विज्ञापन जो जारी हुआ है, देखिए ये तीसरे नंबर का है, इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। और देखिए, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में 2 सरकारी भर्ती यहाँ पे और आई हुई हैं, देखिए जिसमें से देखिए एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का, तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो बिल्कुल आप सभी लोग जाके देख लीजिए। और देखिए दूसरा जो वीडियो है, CMO ऑफिस जो है सीहोर में भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, दोनों वीडियोज़ आप लोग जरूर वॉच करें, दोनों में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं, और दोनों की लिंक जो है आप सभी लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के नीचे जाएं और यहाँ पे वीडियो की लिंक आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर लें, दोनों वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे वॉच करने हैं, दोनों में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखते हैं तो दोनों फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। मध्य प्रदेश शासन में दोनों ये सरकारी भर्ती रहने वाली है, भोपाल में और सीहोर जिले में, तो दोनों को आप लोगों को आवेदन यहाँ पे करना है। और तीसरा, ये जो मैंने आपको बताया है, विदिशा में मेडिकल कॉलेज द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, अगर क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल ये तीनों फॉर्म को आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना है, और दोनों को वीडियोज़ को आप लोगों को यहाँ पे वॉच कर लेना है। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं, जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पे आवेदन कर दें। 7 अगस्त 2020 तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपके द्वारा स्वयं प्रमाणित होना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को एड्रेस पे यहाँ पे भेज देना है, और यहाँ पे लास्ट डेट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, इंटरव्यू भी मैंने आपको बता दिया है कब आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, 10 अगस्त 11 अगस्त या फिर 13 अगस्त, इन तीनों डेट्स में से किसी न किसी डेट पर आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा, किसी न किसी डेट पर आप लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, और सभी लोगों को ये जानकारी सबसे पहले शेयर कर दें, सभी लोगों को बता दें वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये सरकारी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है, और ये वैकेंसी जो यहाँ पे रिलीज़ की गई है, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ विदिशा में, इनके द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स लोगों को ये वीडियो यहाँ पे शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, और लाइक करने इस वीडियो को अगर लगता है इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग आपसे पूछ सकते हैं। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है, मध्य प्रदेश
प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है, हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर रहा है। कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है अब आपसे यहाँ पे छूटने नहीं चाहिए, इसके लिए अभी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाती रही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।